हेलो प्रियांशी, आज तुमको केमिस्ट्री में क्या करवाया? आज हमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया गया। तुम्हें क्या पढ़ाया? हमें भी वही पढ़ाया गया है। और तुम्हें इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है? हाँ, हमें बताया गया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तुम्हें पता है फ्रेंशियम सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियडिक टेबल का? अच्छा, और बताओ फ्रेंशियम के बारे में। जो फ्रेंशियम है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट भी होता है पीरियडिक टेबल का, और फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है पीरियडिक टेबल। और कुछ बता सकते हो? हाँ, फ्लोरीन मोस्ट एक्टिव एलिमेंट भी होता है पीरियोडिक टेबल। फ्रेंशियम भी होता है। और कुछ फ्रेंशियम के बारे में जो सर ने बताया? फ्रेंशियम पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। क्या हम केमिस्ट्री के बारे में और कुछ फैक्ट जान सकते हैं? हाँ, हम सर के पास चल सकते हैं। सर, हम कुछ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जान सकते हैं? बेटा प्रियांशी, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर से भरी हुई है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ कि देखिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सभी अल्फाबेट से बने हैं, बोलो ऐसा रहो। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दो अल्फाबेट नहीं आते, उससे कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे कि जे से कोई एलिमेंट नहीं है और क्यू से कोई एलिमेंट नहीं है। तो बाकी फैक्ट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।